guys, welcome to Parav channel. So today we are going to start class 10th light. So let's get started. सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइट मेनली है क्या, लाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि सबसे पहले लाइट ही इम्पोर्टेंट है, चैप्टर का नाम ही लाइट है। लाइट एक एनर्जी है जो कि हमें देखने में हेल्प करती है, एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प करती है उसको हम बोल देते हैं लाइट। द एनर्जी डेट हेल्प अस टू सी इज नोन एज लाइट। ठीक है, ये तो होगा आपकी लाइट की डेफिनेशन। आगे आपको आता है रे ऑफ लाइट, इस पॉइंट की तरफ बात करते हैं। ये भी सभी पॉइंट जो हमें एक एक करके वन बाय वन डिस्कस जो इसी वीडियो में करना है, तो चलिए देख लेते हैं। रे ऑफ लाइट क्या है? रे ऑफ लाइट एक ऐसा है कि जैसे ये मैंने कर दिया एक मिरर रूल, ठीक है, इसके ऐसे कर दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या हुआ, अगर एक ही ऐसे एक ही रे स्ट्राइक करे और इसके फोकस में से पास हो जाए, एक ही रे आए और इसके फोकस में से पास हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। उसको हम क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। याद रख लेना, अगर एक है सिंगल है तो रे ऑफ लाइट, अगर डबल है ऐसे डबल आ गई यहां से गई यहां से पास कर गई तो क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। जरूरी नहीं है अगर दो है तो ही बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, तीन आ गई तो भी बीम ऑफ लाइट, चार आ गई तो भी बीम ऑफ लाइट। अगर एक से ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, अगर एक हो तो उसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। समझ आ गई? अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी लेकर बता दी, अभी इससे ज्यादा नहीं बता सकते। आगे आ गए डिफ्रैक्शन, वो भी देखिए। डिफ्रैक्शन क्या है? आपकी बुक में ऐसे क्वांटम थ्योरी के बारे में बताया है, वो भी देख लेते, उसका रीजन ये वाला है। सबसे पहले डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन जान लेते हैं क्योंकि अभी हम बेसिक्स जो है क्लियर करने हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डिफ्रैक्शन क्या है। जैसे कि हमारा वुडन ब्लॉक पड़ा है, यहाँ पे क्या है? वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक से क्या हुआ कि यहाँ से एक टॉर्च पड़ी है, मान लो ये हम बना ही देते हैं, यहाँ से एक टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से टॉर्च है और ये क्या कर रही है कि लाइट जो है, लाइट क्या कर रही है? ये दे रही है, रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से आ रही है। और क्या होगा कि लाइट तो यहाँ से पास नहीं करेगी क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, जहाँ ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, वुडन ब्लॉक है क्योंकि ये स्मूथ भी नहीं है। अब क्या करेगी लाइट, तो किसी न किसी जगह से तो पास करना ही होगा, लाइट क्या करेगी यहाँ से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी और यहाँ से पास हो, ठीक है। डिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस इन विच अ लाइट कम फ्रॉम अ सोर्स टू अ अनस्मूथ सरफेस, जहां ऐसे रफ सरफेस बोल सकते हैं, एंड पास फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दैट सरफेस इज नोन एज डिफ्रैक्शन। ये भी हो गया हमारा डिफ्रैक्शन। आगे हम देख लेते हैं ये वाला डुअल क्यों लिखा है भाई। डुअल, डुअल का मतलब दो, दोनों ही ये काम लाइट में निभाती। डुअल का मतलब क्या है? क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी जो हमने पढ़ी है जो आपके बॉक्स में दी गई है, क्वांटम थ्योरी, इसके बेसिस पे क्या है कि डुअल है लाइट। क्यों डुअल है? क्योंकि वो वेव नेचर में भी आती है और पार्टिकल नेचर में भी आती है, ठीक है। पार्टिकल्स पार्टिकल्स में भी ट्रेवल करती है और वेव से वेव में भी ट्रेवल करती है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे तरीके से कर लेना है। आगे आगे है हमारे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते ही होते हैं, इसलिए आपको ये लर्न करें। ये दो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आइए देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले जान लेते हैं कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। सबसे पहले जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन है वो है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये है आपका पहला, पहले आप देख लीजिए कौन कौन से। दूसरा है जो एंगल इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल जो है वो सेम जो प्लेन पे क्या करते हैं, लाइक करते हैं, सेम प्लेन पे आते हैं। वो कैसे है वो भी देख लेते हैं। ऐसे जो होता है हमारा, मान लो प्लेन है या मिरर है, यहां से जो आएगी, यहां से जो रे आएगी उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो कि मिरर पे इंसिडेंट करेगी इसको हम बोल देंगे इंसिडेंट रे। यहां से जो आएगी वो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्ट करेगी बाउंस होकर यहां से आई इसको बोलेंगे इंसिडेंट, यहां से गई इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये भी आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है। आगे हम देख लेते हैं कि भाई ये केस है तो इससे कोई मतलब नहीं है, इंसिडेंट भी होगा रिफ्लेक्टेड भी होगा, नॉर्मल कहां पर बनेगा? नॉर्मल बनेगा इसके बीच में 90 डिग्री के एंगल पे क्या बनेगा? नॉर्मल बनेगा। इसको हम डॉटेड ड्रॉ करते हैं, वैसे डॉटेड ड्रॉ कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई यहां पे बनेगा एंगल आई और एंगल आर यहां पे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब क्या है? जो नॉर्मल है यहां पे लिख सकते हैं, जो नॉर्मल है
वो क्या कर रहा है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा जो एंगल बनाया गया है उसको हम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि उसको दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों बन रही है? क्योंकि नॉर्मल जो है बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है और दोनों को इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन इन डिटेल बेसिक्स ऑफ क्लास एंड फ्लाइट। ठीक है, अभी आपको कुछ क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क जो आते हैं वो भी आपको बता दूँ। आगे सबसे पहले आपका मेन क्वेश्चन आता है व्हाट इज डू यू मीन बाय रे ऑफ लाइट। ये आपका रहता है टू मार्क्स में, ये अभी आपका टू मार्क्स में, ठीक है, ये भी आपका टू मार्क्स में, ये आपका वन मार्क्स में और ये थ्री मार्क्स। ठीक है, ये जो मैंने आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दी है, जरूरी नहीं है ये आएंगे ही आएंगे, इनमें से कोई ना एक एक जरूर आएगा। ठीक है, मेरी 99.99% जो है गारंटी है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन तो आते ही होते हैं, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो लर्न करिए। ठीक है, ये आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको फिर से भी कोई प्रॉब्लम जो है अराइज हो रही है, नया क्वेश्चन में आने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपनी क्या बनानी है, प्रॉब्लम बता देनी है कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना शेयर। Thank you.